तो प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर रामनगरी में जबरदस्त उत्साह है। तो मुस्लिम पक्ष के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने भी पीएम के दौरे को लेकर खुशी जताई है। इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी की सफलता की भी कामना की। हम चाहते हैं कि अयोध्या वासी भी बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यकाल जो है 10 साल बड़ा बेहतर रहा और आने वाला दिन भी जो है प्रधानमंत्री स्वयं बनकर दोबारा फिर आवे। आज जो है हम भी खुश हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम फूलों से करें। अयोध्या से जुड़ रहे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और ज्यादा ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया था और उसके बाद वो पहली बार अब जा रहे हैं फिर से अयोध्या। क्या कुछ आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है वहां पर अयोध्या में, खासतौर पर दर्शन पूजन को लेकर? जी देखिये लालचंद्र, हम इस वक्त मुख्य द्वार पर खड़े हैं। रामलला राम मंदिर की आप जो मुख्य द्वार है वहां पर आप देखिए कि देश भर से जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है यहाँ पर जाने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं गोरखपुर से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, ये कोलकाता से आए हुए हैं और राममय पूरी अयोध्या। हम जानते हैं कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं जिसके बारे में हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज दिन इसलिए खास है कि जैसे यहाँ देश भर से जो लोग आए हैं उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए, और यहाँ रोड शो भी करेंगे। हम देख रहे हैं सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है तो लोग रुक गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। जो दर्शन कर चुके थे रामलला का वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जाएंगे, उनसे उनका दर्शन करके जाएंगे, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा तो दूर से अभिवादन करेंगे। आप बताइए, आप कोलकाता से आए हैं, दर्शन कर लिए आपने? जी, रामलला जी का दर्शन हो गया अच्छे से और अभी मोदी जी आने वाले हैं, उनका ही इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। देश की पहचान है, आन है मोदी, शान है मोदी, देश की पहचान है मोदी। देखिए ये कोलकाता से आए कह रहे हैं कि अब जैसे ही पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं तो वो रुक गए कि अब उनसे भी एक तरह से उनको नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से आई हूँ, मोदी जी के यहाँ से आई हूँ। मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है कि मोदी जी को देखो कहाँ कहाँ उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। मैं राम जी की ओर से, ब्राह्मण बहन की ओर से मोदी जी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। इनको 100 साल की उम्र लग जाए, उनको हमारी उम्र लग जाए और ऐसे ही देश के काम करते रहे और उसका आयुष्य अच्छा रहे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं गुजरात से आए, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए, बाबा की नगरी योगी जी के गोरखपुर धाम से आए हैं हम मोदी जी का। हमको जैसे ही पता चला कि मोदी जी आने वाले वैसे हम सुबह ट्रेन पकड़े और तुरंत यहाँ पे आ गए। रामलला का दर्शन भी कर ले, मोदी जी का रोड शो देखना बाकी है। इस तरह के भी मोदी जी को चाहने वाले हैं कि उन्हें पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या तो गोरखपुर से आज ही रामलला के दर्शन के लिए आ गए, रामलला के दर्शन कर चुके हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि जब रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। बताइए, रोड शो का जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है उसमें किस तरह से अयोध्या के कौन से इलाके शामिल हैं? ये देखिए, जो राम पथ है, जो सुग्रीव किला जहां से आप जानते हैं मुख्य द्वार जहां पर हम खड़े हुए हैं इससे थोड़ा सा पहले सुग्रीव किला है, वहां से जो गेट नंबर 11 बोलते हैं उसके पास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा और इसी राम पथ से होते हुए जो अब सबसे चर्चित स्थान एक तरह से बन चुका है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वीणा चौक से, जो लता मंगेशकर चौक जिसके नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक वीणा लगाई गई है वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म होगा। तो ये जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए तैयारी की हुई है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का ये पूरा एक रास्ता है जो रामपथ से गुजरेगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से गुजरेंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे अयोध्या की जनता का। यहाँ तमाम लोग जो देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, तो ये 2 किलोमीटर का पूरा लंबा रोड शो होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रोड शो आयोजित किया जाएगा। लालचंद, शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने चुनावी प्रोग्राम में आज अयोध्या के प्रोग्राम को रखा है, क्या कुछ वहां पर स्थानीय लोगों में इसको लेकर आप उत्साह देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हमने यहाँ तमाम लोगों से बात की जो इसलिए रुके हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देख पाएंगे। उनका कहना है कि 500 वर्षों बाद
जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं चाहता हूं कि आप अपने कैमरा पर्सन से ये भी कहिए कि जरा वो उधर आसपास का नजारा दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये बिल्कुल बिल्कुल हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आप दाहिने साइड दिखाइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आकर देखिए कि तमाम लोग मीडिया से बात भी कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ देखिए ये जत्था इस तरह से आता हुआ, आप यहाँ पर देखें, ये मुख्य रास्ता है जहाँ पर लोग दर्शन के बाद वापस आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ का रास्ता जहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शन करके रामलला का, और उस तरह से एक भीड़ जो है वो लगातार हम देखते हैं जब यहाँ आते हैं अयोध्या में। इस वक्त आप देखें 22 जनवरी के बाद वो भीड़ दिखाई देती है। आप हमारे कैमरामैन कहेंगे कि जो लोग वापस आ रहे हैं तो उनको दिखाएं, तो ये देखिए लोग उत्साहित हैं रामलला के दर्शन के बाद और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी भीड़ सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी मंदिर खुला रहता है ये बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक उत्साह भी दिखता है और अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर है। जीलाल चंद्र जी, शैलेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, और जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगे तो हम आपसे जरूर जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो